बस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में टच साउंड कैसे ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोन में सेटिंग, सेटिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको साउंड, साउंड पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आपको साउंड पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हैप्टिक्स एंड नोटिस, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डायल पैड, नोटिस साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, रेट्रो साउंड। तो आपको अपने फोन में जैसे कि टच साउंड ऑफ करना है तो हमारे पहले से ही टच साउंड ऑफ है। अगर आपको ऑन हो आपको तो इस प्रकार अपने फोन में टच साउंड ऑन कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे। जैसे कि और साउंड ऑफ करना, ऑन करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फोन में टच साउंड जैसे कि ऑन है तो इसको ऑफ कर लेंगे, तो इस प्रकार अपने फोन में टच साउंड ऑफ करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।